नगर निगम और नगर पालिका पार्षद के अध्यक्ष पद के आरक्षण खत्म होने के बाद महासमुंद में फिर से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत उन वार्डों के सीटों का आरक्षण चीट निकाल कर किया गया जो जिला पंचायत कार्यालय में कलेक्टर सुनील जैन की देखरेख में हुआ। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के आरक्षण का काम आज संचालित है और अभी दो नगर निकायों के आरक्षण का काम हो चुका है, नगर पालिका परिषद महासमुंद और नगर पालिका परिषद बागबाहरा। आरक्षण के संबंध में शासन के द्वारा विस्तृत निर्देश प्रसारित किए गए हैं और अधिनियम के प्रावधान भी हैं, उन प्रावधानों के तहत आरक्षण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आरक्षण का आधार 2011 की जनगणना को मान करके किया जा रहा है और आरक्षण में इस बात का ध्यान रखा जाना है। बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए वार्डों को आरक्षण किया जा रहा है। महासमुंद से न्यूज़ के लिए भोजेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।